बोल दो। हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स। तो बहुत दिन हो गए हम वीडियो में नहीं आए हैं, तो मेरे यहाँ पर दीदी भी आ गई है। हेलो। अभी 2-4 दिन हो गए, मामा कैसे आए हैं? अच्छा, मामा कैसे आए हैं? तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर भी, मंदिर में ये है कीर्तन। और आप सब ने मुझे अपनी अपनी राय दी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो और आप सब मेरी वीडियो को इतना ध्यान से देखते हो, मेरी बातों को इतना ध्यान से सुनते हो, तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आप सब ने अपनी अपनी राय दी कि सूट अच्छा है तो अच्छा है, और तो मैं उसको चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि सूट मतलब अच्छे वाले जो कमेंट थे वो ज़्यादा आए हैं, और एक कमेंट था जिसमें उनको पसंद नहीं आया था, तो कोई बात नहीं, उनको समझ में नहीं आया होगा, जैसे मेरे हस्बैंड को या मेरी फैमिली को पसंद नहीं आया था। लेकिन चलिए, बाकी सभी कमेंट्स जो है ऐसे थे, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, उन सबको अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आप सबका। और अब मैं उसको चेंज नहीं करूँगी, उसकी फिटिंग करके 30 वाले दिन पहनूंगी ग्रीन ग्रीन सूट। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं मंदिर में, और वहाँ पे हो रहा है कीर्तन। आज है शिवरात्रि और तारीख मुझे ध्यान नहीं है, 19 तारीख है या 20 है, और शाम के लगभग 3:30 का टाइम हो चुका है। और बस अभी जाएंगे मंदिर में, उसके बाद आने के बाद आप सबसे बात करूँगी, मिलूँगी। तो चलिए, और हाँ, आज मैं अपने इयर रिंग्स दिखाऊँगी आप सबको, मेरी वीडियो को देखते रहना और बताना। हेलो हेलो गाइस, अरे चुप भी हो जा। तो फिर अब हम मंदिर में जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर आरती भाभी आई थी हमारी, ये देखिए खड़ी हैं, ये खड़ी हैं यहाँ पर। हाय एवरीवन, जैसा कि बच्चों ने बताया है, ये है आरती, आरती भाभी मतलब इनकी भाभी लगती है, मेरे जेठ के लड़के की बहू है। पहले भी मैं अपनी वीडियो में इनको मिलवा चुकी हूँ आप सबको, जिन्होंने मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी वो जानते होंगे। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके थे मंदिर में, और ये देखिए शिव शंकर भगवान जी का मंदिर है ये वाला, और आप लोग भी मत्था टेक लीजिए। आज है शिवरात्रि, मतलब शिवरात्रि के दिन हमारे यहाँ जो है कीर्तन करवाया था मम्मी ने शिव जी भगवान जी का, तो इसके लिए हम लोग मंदिर गए थे, मतलब मंदिर में ही कीर्तन था। तो यहाँ पर पूरा मंदिर भी आपको चेरी दिखाएगी, और ये जो शिव जी भगवान जी का मंदिर है, इसकी जो पुरानी बातें हैं, जो मैंने सुनी हैं, जो मुझे पता है, वो मैं आप सबके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। और यहाँ पर है लक्ष्मी नारायण भगवान जी की मूर्ति। ये मूर्ति पूरे देश में सिर्फ 2 ही जगह पर है, एक तो केरला में और दूसरी हमारे गांव में। तो ये मूर्ति आप लोग भी देख लीजिए, इनके दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। और जब मैंने पहली बार सुना था ये बात, मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी, लेकिन ये वाकई में ही 2 ही मूर्तियाँ हैं, जो सिर्फ एक हमारे गाँव में है और दूसरी है केरला में। और ये है माता रानी का मंदिर, और जो लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जो मूर्तियां हैं, उनके जो चमत्कार हैं वो भी पुराने बुजुर्गों से सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ये जो मूर्तियां हैं पूरे भारत में सिर्फ 2 ही हैं, और मुझे भी ना हैरानी हुई थी उस टाइम, सुना था मैंने कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर जब मैंने देखा, सुना और भी इसके बारे में जाना, तो मुझे ये हुआ कि हाँ, वाकई में ये 2 ही मूर्तियां हैं, सिर्फ एक केरला में हैं और दूसरी हमारे गाँव में हैं। और ये है हवन कुंड, जहाँ पर हवन होता है, जिसको भी हवन करवाना है वो हवन करवा सकता है यहाँ पर, और कांवड़िए जो आते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, तो उन वो भी यहाँ पर ही हवन करते हैं, यहाँ पर भंडारे होते हैं, यहाँ पर कथाएं होती हैं, मतलब कि हर तरह की यहाँ पर चीज़ें होती हैं, जो जब शिवरात्रि होती है उस टाइम कीर्तन होते हैं, जन्माष्टमी होती है तब कीर्तन होते हैं, यानी कि रथ जगा होता है, रात जगाई जाती है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो मेरे गाँव में होती हैं इस मंदिर में। तो ये है त्रिवेणी, जहाँ पर हम लोग मत्था टेकते हैं, त्रिवेणी मतलब 3 पेड़ होते हैं, 3 पेड़ होते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने आप सबको पूरा मंदिर दिखा दिया है, आप सबको कैसा लगा मुझे बताना। तो यहाँ पर औरतें भी आ चुकी थी कीर्तन के लिए, कुछ आ चुकी थी, कुछ बाद में आई थी, मतलब ऐसे ही है, गर्मी है
तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आते हैं सब कोई। सबको गर्मी लगती है भाई, इतना इतना गर्मी में बुरा हाल है। मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म था। तो यहाँ पर देखिए शिवी को देखिए आप लोग, कितनी भक्ति और कितनी श्रद्धा के साथ ये पूजा कर रही है। तो बस कीर्तन वगैरह का काम निमट चुका था और उसके बाद ये हम रास्ते में से आ रहे थे, यानी कि हम लोग पैदल पैदल आए थे। तो ये है सती माता का मंदिर जो हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर पड़ता है, मतलब गांव के बीच में पड़ता है, हमारे घर से थोड़ी दूरी पर पड़ता है। तो हम सब लोग पैदल पैदल जा रहे थे, मैंने इसको भी वीडियो बनाया। ये है हमारे गाँव की सड़कें, गलियाँ, जो भी कुछ आप बोलना चाहें वो हैं। तो ये यहाँ पर हम आते आते हमारे गाँव का जो साईं बाबा का मंदिर है वो भी देखने लगे थे, क्योंकि आना तो बहुत मुश्किल से होता है और वैसे भी मंदिर वगैरह इतने खुले नहीं हैं। वैसे तो गाँव में तो खुले हैं, लेकिन बस ऐसे ही होता है कि नहीं आया जाता। वैसे तो वीरवार को, यानी वीरवार को ही आते हैं साईं बाबा के मंदिर में, लेकिन हमने सोचा कि चलो आए हैं तो यहाँ पर भी दर्शन करते चलें। और ये जो साईं बाबा जी की मूर्ति है ये तो मेरे सामने ही रखी गई हैं। ये मंदिर अभी कुछ टाइम पहले ही बना है, पहले यहाँ पर साईं बाबा जी का मंदिर नहीं था, लेकिन अभी कुछ टाइम से साईं बाबा जी का मंदिर बन चुका है। क्योंकि इस इन्हीं भगवान जी की हमारे गांव में कमी थी और इनको भी मतलब ये भी हमारे गाँव में विद्यमान हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे गाँव के सारे मंदिर बहुत ही अच्छे और प्यारे बने हुए हैं। एक और यहाँ पर हम लोगों ने परिक्रमा की, हमने लक्ष्मी नारायण भगवान जी की भी परिक्रमा करी थी और यहाँ पर साईं बाबा जी की परिक्रमा भी कर रहे हैं। साईं बाबा जी की एक ही परिक्रमा होती है और लक्ष्मी नारायण भगवान जी की हम लोग तीन भी कर सकते हैं, पांच भी कर सकते हैं और सात भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमने एक परिक्रमा की। चाहे औरतें कहीं भी चले जाएं, किसी जगह भी चली जाएं, लेकिन लौट कर तो उन्हें किचन में ही आना है। तो बस यही काम मैं कर रही थी, अपना खाना वाना बना रही थी, किचन में आ गई थी, जिस जिसको खाना खाना था तो उनके लिए खाना बनाया। दस बजे का टाइम हो चुका है और ये हमारे यहाँ जो कमरे हैं ना, इनके बीच में छोटी सी खिड़की है, यानी कि छोटा सा दरवाज़ा है, इसके बीच में से हम लोग निकल जाते हैं आराम से। और ये ना इस तरह के दरवाजे, मतलब छोटी सी खिड़कियाँ हर एक कमरे में थी,
हर एक कमरों में, मतलब एक में से निकल के दूसरे में, दूसरे में से निकल के तीसरे कमरे में, तीसरे में से निकल के चौथे कमरे में, इस तरह से खिड़कियाँ थी। खिड़कियाँ क्या मतलब, ये छोटे छोटे दरवाजे थे, लेकिन अभी ये सारे दरवाजे मतलब मेरे आने से पहले ही मुदवा दिए थे, बस एक ही ये रह गया है, इसी कमरे में है। बस इस कमरे में हम दोनों आर पार कभी भी इस तरह से बीच में से आ जा सकते हैं। तो अभी काम हो गया है, लगभग 10:30 बज चुके हैं, और खाना वाना ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, इनके लिए बनाई थी रोटी और आशु के लिए बनाई थी। मम्मी का व्रत था आज, मेरा फास्ट नहीं था। वैसे तो मैं शिव चौदस का व्रत रखती हूँ, हर बार रखती थी, लेकिन अब की बार नहीं रखा। सुबह में एक तो पहले मैं भूल गई, दूसरी बात वैसे मैं रख भी लेती, लेकिन मैं 2 दिन के व्रत नहीं रख पाती हूँ। हर बार मैं रखती थी, कभी मैंने ये शिव चौदस का व्रत नहीं छोड़ा, लेकिन अब की बार नहीं रख पाई। ये वो वाली शिव चौदस है जब जो ये क्या होते हैं कावड़, ये जो कावड़ लेकर आते हैं और उसके बाद चौदस या त्रोदसी में उनका जल चढ़ता है, तो ये वो वाली चौदस है। और बस आज व्रत ही रखा, और बहुत से लोग पूरे महीने के, सावन के पूरे महीने के व्रत रख रहे हैं, मैंने 2 बार रखे हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख पाई हूँ। 2 बार में ही मेरे बिल्कुल पूरे नहीं हुए, इसलिए मैंने अब नहीं रखे, क्योंकि मुझे ना थोड़ा मन में डाउट हो गया है। पहली बार जब मैं कुंवारी थी उस टाइम मैंने रखे थे, उस टाइम भी ये पूरे नहीं हुए थे किसी वजह से, मतलब मेरी जो मतलब अपनी प्रॉब्लम थी, यानी कि मैं वो व्रत नहीं रख पाई थी, मुझे वीकनेस हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो जिसकी वजह से मुझे वो व्रत तोड़ने पड़े थे बीच में। और जब दूसरी बार मैंने शादी के बाद रखे थे ये सावन के व्रत, उस टाइम बड़ी मम्मी जो है वो पूरे हो गए थे, सिर्फ 3-4 व्रत ही रह गए थे, यानी कि 81 को पूरे हो गए थे, और ये बस 4-5 दिन ही रह गए थे व्रत के। तो उस टाइम पर फिर मैंने अब उसके बाद नहीं रखे, क्योंकि मेरे मन में ये डाउट हो गया कि कहीं अब मैं तीसरी बार रखूं कुछ और ना हो जाए। तो होता है ना थोड़ा मन में, जब 2 बार रख चुकी हूँ और मतलब 2 बार के मेरे वो ठीक नहीं हुए, तो मन में थोड़ा हो ही जाता है। और वैसे भी अभी मतलब मैंने इन्होंने खाना खा लिया था, और आशु ने खाना खाया था, मैंने नहीं खाया। मतलब मैंने खाए रस इसलिए खाया क्योंकि मेरी दोनों जाड़ों में प्रॉब्लम है, इस साइड की नीचे वाली जाड़ में, इस साइड की ऊपर वाली जाड़ में, और दोनों साइड से मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। अगर मैं रोटी खाती हूँ तो वो अंदर फंस जाती है ज़्यादा, और फिर दिक्कत होती है, उसमें दर्द होता है, परेशानी होती है मुझे। तो बस मैं 2 दिन से ब्रेड ही खा रही हूँ, और ब्रेड खा के मन थोड़ा अजीब सा हो गया, क्योंकि मीठा मीठा सा वो, मतलब मैं मीठा ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ, और अब 2 दिन से मुझे वो मीठे के साथ, मतलब चाय दूध के साथ मुझे वो खाने पड़ रहे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, पता नहीं चलता कब कहाँ क्या चीज़ हो जाए कैसे। तो चलिए आज इयररिंग्स नहीं दिखा पाई हूँ, इसके लिए सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट आए थे मंदिर से हम लगभग 7:30 बजे के करीब आए। फिर उसके बाद अभी इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी कर देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए फिर अभी इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।